जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में से आता है, पर आखिर ऐसा क्यों? क्या वहाँ की ट्रैफिक्स के वजह से ऐसा होता है या उन प्राइवेट गाड़ियों की वजह से? तो अगर ऐसा है तो क्यों ना इन प्राइवेट गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कारों में बदलवा दें। एक समय था जब हमारे शहर की सड़कें से ऐसी आवाज़ें आती थी और आज ऐसी आती हैं, पर कल के सड़कों से कैसी आवाज़ें आएंगी? 2040 तक विश्व की 35% कारों के इलेक्ट्रिक हो जाने का अनुमान है और यहाँ से ये सिर्फ कुछ टाइम की बात है जब कंबसन इंजन्स अच्छे काम के लिए शोर करेंगे। इससे हमारा विश्व कितना बदल जाएगा? क्या इलेक्ट्रिक कारें हमारे वातावरण को बचा पाएंगी? क्या इससे हमारी सेहत सुधरेंगी? आज के आंकड़े कल के बारे में क्या बताते हैं? आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश। आज के एपिसोड में आप देखें कि क्या होगा अगर सभी कारें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएं। साल 2017 में यूएसए में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 1992 के बाद सबसे कम रहा, पर 5.1 बिलियन मैट्रिक टन की दर से अभी भी सुधार की बहुत जरूरत है। अमेरिका में फॉसिल फ्यूल्स कारों और ट्रकों से होने वाले 30% कार्बन एमिशन के साथ साइंटिस्ट, विशेषज्ञ और इनोवेटर्स ने बताया है कि कैसे इलेक्ट्रिक कारें हमारे लिए सही हैं। इलेक्ट्रिक कारें गैस से चलने वाले वाहनों की तुलना में 4 गुना ज्यादा प्रभावशाली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस में सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 8.4% कम हो जाएगा। असल में ये इतना आसान बदलाव नहीं होगा क्योंकि आज के इलेक्ट्रॉनिक कारें दूसरों कारों से लगभग $20,000 ज़्यादा महंगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारों से भरे एक देश में बिजली की डिमांड 29% तक बढ़ जाएंगी, पर अमेरिका में जहां आधी से ज़्यादा बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है, क्या वहां ये बदलाव अच्छा होगा? ऐसा लगता तो है। हाल के कुछ सालों में यूएस में रिन्यूएबल एनर्जी के साधनों से बिजली बनाई जा रही है और ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कार अब और ज़्यादा सुविधाजनक होंगी। सेवी, निशान और टेस्ला जैसी कार कंपनीज लंबे समय तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार के मॉडल्स $30,000 तक की सस्ती कीमत में लाने वाली हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉनिक कारें चलने लगेंगी तो ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी, जबकि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन जॉब्स में बढ़त होंगी। आज भी सोलर पैनल्स की सेल लगभग हर साल दुगनी हो रही है। हर साल 50,000 अमेरिकन की कारें से निकलने वाले एमिशन से होने वाले बीमारियां समय से पहले मृत्यु हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक कारों से हम हेल्थ केयर पर आने वाले मिलियंस के खर्चे को भी बचा सकते हैं। पर जहां एक तरफ ये सब सच हो जाना बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये हाइपोथेटिकल चीज कब होगा? इलेक्ट्रॉनिक कारों की सेल हर साल 60% की दर से बढ़ रही है। जब कारों ने घोड़ों को पीछे छोड़ा था तब फोर्ड की मॉडल टी की भी यही ग्रोथ रेट थी। तो कमर कस लें और तैयार हो जाएं क्योंकि भविष्य अब जल्दी ही आने वाला है। समय के साथ हम देखें कि खोज की सड़क पर हमारे लिए क्या क्या है। शायद आज के पेट्रोल पंप की जगह वहां चार्जर पंप हो जो कि आपके इलेक्ट्रिक कारों को 5-10 मिनट में फुल चार्ज कर दें, और ये आज नहीं तो कल होना ही है। क्यों, सही कहा ना? और शायद ऐसा ही हमारे पॉल्यूटेड सिटी जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे और भी अन्य में पॉल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी। पर तब तक के लिए देखते रहें इंटेलिजेंट आकाश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।